हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 21 फरवरी को आप लोग का सेकेंड सिटिंग में जो है इंग्लिश का एग्जाम हुआ है। और आप लोग को सभी को पता है ये कंपलसरी भी है, मतलब आप लोग इसमें कुछ भी नंबर लाएँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपका कितना देखिए, विषय कोड 213 दिया गया है और जो है सेट जो है आप लोग का एच है। ठीक है, आपका जो भी सेट हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको जो है ना अच्छे तरीके से देख करके जो भी सेट हो ना उसे आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग को जो है ना फटाफट से इसका आंसर बता देते हैं ताकि आप लोग जो है ना उसको मिला लीजिएगा और कम से कम संतुष्ट हो जाएगा कि देखिए मानते हैं कि इसमें पास करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें नंबर जो है ना, मतलब पासिंग मार्क होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाकर के जो आपको जो है ना बहुत ही काम इसमें आ सकता है। बहुत सारे फॉर्म वगैरह को जो है ना फिलअप जो कीजिएगा ना तो उसमें जो है ना इसमें कम से कम 50% भी नंबर को खोजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और आपका कितना सही है वो आप उसको जो है ना मिला भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देख रहे हैं, तो मतलब लगाएंगे नहीं और फटाफट से जो है आप लोग का आंसर मिला देंगे। जी बिल्कुल, हेलो आई एम बैक, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखने के लिए चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, सेट आप लोग का जे है, मतलब मेरा सेट आप लोग का जो भी हो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या दिया गया। तो क्वेश्चन को जो है ना आप लोग का जो भी सेट हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग जो है ना उसको मिला लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन सेज जो है ना सेज दैट, क्या लिखा है पे, व्हेन ही गोज टू द सिनेमा ही जो है ना फाइंड्स हिम सेल्फ इन ए डैश फोर डैश उसके बाद है फोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, होपलेस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो बी दिया गया ना होपलेस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अंग संग सुई की एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा वोमेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर वोमेन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न आप लोग का ये गिल्लू से दिया गया और गिल्लू चपड़े तो बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर देखिएगा, महादेवी वर्मा अप्लाइड डैश ऑन द वुड्स ऑफ गिल्लू। ठीक है, तो गिल्लू के जो घाव था ना उसके ऊपर में क्या लगाती है, तो वो क्या लगाई थी, तो पेनिसिलिन लगाया था कि घाव को जो है ना जल्द से जल्द उसको जो है ना अच्छी तरीके से सुखा दें, मतलब घाव को जो है ना ठीक करने के लिए लगाया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से तो मार करके आए होंगे, इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भक्ति कुमार दन पहचाने भागलपुर, मतलब अब भागलपुर से हो, क्या बात है सर में रतन, ओहो क्या बात है। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोग फिर से जुड़े हैं, तो आज हम लोग जो है ना 13 का पूरा एकदम कंप्लीट करके ही जाएंगे, इसी सोच में आप लोग के साथ में जुड़े हैं। ठीक है जी, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वंस अपॉन ए टाइम शोज दैट, जो उसके बाद डैश यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद शुड बी ए वाइब्रेंट। ठीक है, यहाँ पे तो बताएं इसका फोर का आप लोग क्या भरे, तो आप लोग अगर भर के आए हैं तो आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, द सिनेमा इज आवर एस मोस्ट जो है ना पोटेंट एंड डैश आर्ट ऑफ फ्रॉम, बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा जो है ना सी नंबर जो दिया गया, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोग का देखिएगा, एक्सेप्ट महादेवी वर्मा जो है एवरीबॉडी वाज श्योर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट, बताएं यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, इसका राइट आंसर सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ड्रिंक। ठीक है, तो एक्सेप्टेड महादेवी वर्मा जो है एवरीबॉडी वाज श्योर द जो है ना उसके बाद द स्क्वायरल वुड नॉट, मतलब उसका घाव जो है ना नहीं सूखेगा, गिल्लू जो कौवा मतलब कौवा जो है ना मार मार के क्या कर दिया गया था उसको जो है ना पूरा एकदम लहू लुहान कर दिया था, किसको स्क्वायरल को, मतलब गिल्लू गिलहरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी का है और सभी लोगों को विश्वास हो गया था घाव नहीं सूखेगा, तो वही लिखा गया यहाँ पर कि एवरीबॉडी वाज श्योर द स्क्वायरल वुड नॉट, वुड मतलब होता है घाव, ठीक है नहीं सूखेगा, तो ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल 100% राइट आंसर है। हाँ सर मैं भागलपुर, वाह मेरा जिला पड़ता है भागलपुर, हम कहलगांव तरफ से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर गैसलर नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू डैश, तो बताएं इसका सेवन का आंसर आप लोग क्या बोल रहे थे, इसका हो जाएगा रिलैक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है ए नंबर जो दिया गया ना वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिलैक्स, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्रश्न है द डॉक्टर वेरी मच जो है ना एडमायर्ड हर मदर्स जो है ना क्या लिखा यहाँ पे एंड मिनिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे बताना इसका आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा लव, यहाँ पे क्या हो जाएगा लव, इसका जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, हल्कू हेड ब्रैप्ड जो है ना हिम सेल्फ इन ए डैश, उसमें बताया ना यहाँ पे क्या होगा, तो वो जो होगा ना तो ठंड के दिनों में जो है ना वो क्या करना चाहता था, मतलब वो कंबल लेना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टर्न मतलब फटा पुराना जो भी कंबल होता है कि ठंड से उसका जान बच सके।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेडीज इन द पार्टी कॉल्ड सन एंड मून द डैश, तो बताएं इसके बाद इसमें क्या भरे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बताएं जल्दी जल्दी से क्या भरे हैं। ठीक है थीके? तो एक का आंसर आप लोग जो है खुद को करना है। ठीक है नौ का ए सर, नौ का ए, नौ का ए क्या, ओहो और स्वेटर, क्या बात है। चलिए 10 नंबर देखिए आप लोग बने, 10 नंबर क्या भरे हैं आप लोग बताएं। द लेडीज इन द पार्टी कॉल्ड सन एंड मून द, बताएं इसका क्या भरे हैं 10th का। 10th का सभी स्टूडेंट जो भी भर भर के आए कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हैं ना कि हम ये भरे हैं वो भरे हैं। ठीक है देखिए इसमें जो है ना पास करना मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कम से कम 30 से ऊपर हो, 20 से हो, तब भी मतलब वो जो है ना पास वगैरह होगा। क्या बात है आप भी इसमें जुड़े हैं। ठीक है ठीक है क्या देखा, लैम्स एंड टाइगर्स। ठीक है चलिए बहुत अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मुन्नी एडवाइज हल्कू टू गिव अप डैश जो है ना फार्मिंग, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा कि मुन्नी जो है ना एडवाइस देता है किसको, हल्कू को, टू गिव अप मतलब क्या चीज़ करने के लिए, तो वो हो जाएगा ऑर्गेनिक। क्या यहाँ पे ऑर्गेनिक जो दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया, वीक फर्म्स गोट देयर जो है ना बिजनेस थ्रू, बताएं इसका आंसर क्या भरे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवर्टाइजर, यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है चलिए ये वाला हो गया कंप्लीट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, प्रश्न दिया गया है द डैश जो है ना मंक्स हैव बीन जो है ना हेमलिटेड। ठीक है हेमलिटेड बताएं इसका आंसर क्या भरे हैं आप लोग। 13 का आंसर क्या बने हैं, तो वो कहाँ कहते हैं वो इंडियन। ठीक है द इंडियन मंक्स हैव बीन क्या होने पर हेमलिटेड, इनके हेमलिटेड। चलिए ये वाला हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इंडियन फिल्म्स जो है ना शुड बी मोर, तो मतलब सत्यजीत राय के अनुसार बताना है कि इंडियन फिल्म्स जो है ना शुड बी मोर मतलब और ज्यादा क्या होगा, तो बताएं यहाँ पर क्या होगा रियलिस्टिक। 13 का सी, ओहो 13 का सी बिल्कुल यहाँ पे सी है। 14 का बताएं कि सत्यजीत राय के अनुसार जो है इंडियन फिल्म्स में और ज्यादा क्या होगा। ठीक है रियलिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, रियलिस्टिक जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो राइट आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ध्यान से पढ़िएगा, द ओल्ड वुमेन्स जो है ना क्या लिखा है रिप्यून, यहाँ पे क्या लिखा है एक मिनट, रिप्यूटेशन, यहाँ पे रेपुटेशन जिसको पढ़ते हैं ना जो बोलते हैं मेरा ये रेपुटेशन है ये चीज़ है। ठीक है फोर्थ डैश जो है ना इज विदाउट पीयर, बताना इसका आंसर क्या होगा। तो 15 का आप लोग का आंसर क्या भर है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हो जाएगा सी जो दिया गया है ना पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या दिया गया है, विदाउट नोइंग द रीजन द मदर्स स्टार्टेड, तो बताएं यहाँ पे माँ मतलब कुछ जानती भी नहीं है मतलब कारण उसका और वो क्या करने लगती है, बताएं इसका आंसर आप लोग क्या भर है। ठीक है 15 का रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 का सी जी बिल्कुल सही है जी। ठीक है यहाँ पे तो बताएं आप लोग 16 का आंसर क्या भरे हैं। सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी जो है ना इसको एकदम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम पूरा एकदम शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई जो है ना उसमें जो आंसर इसको मिला सके। ठीक है तो बताएं यहाँ पे विदाउट नोइंग द बिना जान रहे जो माँ जो है ना मतलब क्या चीज़ करती है क्या चालू कर देती है, तो वो क्या क्या चालू कर देती है, रोना चालू कर देती है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि क्वेश्चन को देखिएगा 17 नंबर, द पोर्टर हैज ए वेरी डैश माइंड, ठीक है बताएं क्या होगा। तो वेरी यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी जल्दी से इंटेलिजेंट माइंड, क्या यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट माइंड डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए बहुत अच्छा आप लोग एकदम अच्छी तरीके से भर के आए होंगे। देखिए ग्रामर तो कम से कम आप लोग जरूर बनाए होंगे, बुक वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है तो 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि देयर ओनली क्या लिखा है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स जो इसके बाद है यू कैन डो नो हार्म इज फ्रॉम, यह जो लिया गया है ना यह लाइन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है बताना है। तो 18 का क्या होता है पॉलीथीन बैग से लिया गया, यहाँ पे कहाँ से लिया गया पॉलीथीन बैग, सी जो दिया गया ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमेन यानी कि मतलब बुजुर्ग के अनुसार या बूढ़ी औरतों के अनुसार, ठीक है बताना है यहाँ पर पूछा गया है कि द यंग जो है ना विजिटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एक्ट ऑफ डैश, वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 का आंसर बताएं आप लोग क्या भर के आए हैं, तो वो हो जाएगा सस्पिक्शन, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि हु रोट जो है ना हु रोट पॉलीथीन बैग, चलिए इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट करके बताएं क्या भर के आए हैं आप सभी। ठीक है कि हु रोट पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग जो है उसको उसका लेखक कौन है, पॉलीथीन बैग जो है उसे किसके द्वारा लिखा गया है। सर हम सी मारे हैं 19 का सही है जी। ठीक है बताएं आप लोग 20 में है 20 वाला। ठीक है पॉलीथीन बैग जो आप लोग पढ़ते हैं आप लोग का बुक का एक मतलब पार्ट है उसको आप लोग बताओ उसमें क्या भरे हैं, उसको कौन लिखा है, हु रोट पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग जो किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं आप लोग क्या क्या बता रहे हैं। चलिए अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है, आप लोग शेयर करने में कमी कर रहे हैं, एकदम पूरा शेयर कीजिए सभी को एकदम। ठीक है जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर जो है बहुत कम अभी मतलब वीडियो उतना नहीं बनाया रहा हमको थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है लक्ष्मी प्रसाद होगा, ऐसा कैसे होगा, दुर्गा प्रसाद होगा ना, दुर्गा प्रसाद पांडा मेरे ख्याल से
क्या बात है, आप लोग एकदम अच्छी तरीके से भर, क्या लग रहा है। चलिए, इसका आंसर तो आप लोग को आना चाहिए अच्छी तरीके से। बहुत ही प्रश्न सिंपल है, पॉलीथीन बैग के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आप लोग पूरा कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा से याद होगा कि पॉलीथीन बैग जो एक मतलब कहानी टाइप का है आपके बुक में, उसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग, चलिए आप लोग तो लग रहा नहीं बताइएगा, हम ही बता देते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, दुर्गा प्रसाद क्या हो जाएगा, पांडा जो दिया गया है ना वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है ना वो सही है, इसमें हल्का सा भी सस्पिशन नहीं होनी चाहिए ना, हल्का सा शक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सही बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग मिला लिए होंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल, बुक देख लीजिए, दुर्गा प्रसाद पांडा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग का ये हो गया, इसका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हल्कू सेड दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, हल्कू सेड दैट ही विल हैव, जो उसके बाद क्या दिया गया है, ही विल हैव टू पुट अप विद द जो ना लैंड रोड्स। ठीक है, तो बताएं पे हल्कू, हल्कू जो बोल रहे हैं पे हल्कू के बारे में, चलिए बताइए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा प्रश्न को, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, स्मोकिंग एंड डैश एड टू द जो है ना रिस्क फॉर जो कैचिंग एंड एलर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायबिटीज, क्या होता है यहाँ पे, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे देखिए स्मोकिंग एंड डैश जो है ना वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिस्क है कैचिंग एंड एलर्जी के लिए। तो आप लोग इसमें बताएं 22 में क्या भर के आए हैं। ठीक है, 22 में सर बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। दुर्गा प्रसाद पांडा सही है, यहाँ तक समझ गया ना, क्या यहाँ पे डायबिटीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ग्लेस वर्थी ऑफन डील्स विद डैश जो है ना ग्रीवेंस, यहाँ पे बताए इसमें आप लोग क्या होगा, 23 का आंसर बताएं। यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक, क्या होगा, पब्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीवेंस इन दिस वर्क, इन हिज वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द है ना प्रश्न क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ सन एंड मून, तो सन एंड मून जो दिया गया आप लोग का एक पार्ट है कहानी का, तो बताना है कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी कैथरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, द पोर्टर्स बेबी, द पोर्टर्स विद, बताएं यहाँ पे पोर्टर्स बेबी जो है ना वो कौन है, तो बताएं 25 का आंसर क्या भर के आया, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फैट है। ठीक है, मतलब मोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए तो यहाँ पर आप लोग का हो गया बहुत अच्छा, तो समझ गए आप लोग क्या लिखा है यहाँ पे, कि ऑन हियरिंग मार्थास डैश द चिल्ड्रेन वर जो है ना ट्रांसपोर्ट टू ए जो है ना ड्रीम लैंड, ड्रीम लैंड, बताएं आप 26 का आंसर क्या भर के आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोरीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, 27 नंबर प्रश्न है, राधास फ्रेंड बिलीव दैट डैश, उसके बाद यहाँ पे डैश है विल कम अगेन, तो वो यहाँ पे बताएं 27 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कृष्णा, क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, 28 नंबर प्रश्न है, द डैश ऑफ द जो है ना क्या प्रश्न है, कि द है फिर उसमें फिल करना है यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद दिखाया गया ऑफ लव हैज जो है ना चैर्ड माई विंग्स, तो बताएं इसका आंसर आप लोग 28 का क्या भर करके आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो 28 का आंसर क्या भर है, तो वो क्या हो जाएगा स्पार्क। चलिए बहुत अच्छा, सी जो दिया गया ना यादव बॉस, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम, तो बताएं 29 का आंसर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, राधा, क्या यहाँ पे, राधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 30वां नंबर, द हाई पिचेज जो है ना क्या स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोर्ट सॉल ए जो है ना 1000, तो बताएं 30 का आंसर क्या भर क्या है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द बर्मीज जो है ना पीपल क्रैफ्ट फोर डैश, तो मैं बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस के लिए वो लोग क्या करते हैं, रोते हैं, कौन, बर्मा के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कि मालासा, क्या लिखा यहाँ पे, मालासा वॉज वेरी डैश एंड सो सी वॉन्ट टू रिटर्न होम क्विकली, तो मालासा जो है ना डैश है मतलब क्या चीज़ के लिए, बताया यहाँ पे, बहुत खुश है, मालासा वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी एंड सो सी वांटेड टू रिटर्न होम क्विकली, वह घर जो है ना बहुत जल्दी जो है रिटर्न होना चाहती थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग जो है ना कमेंट करते रहे, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल गुड्डू भाई, बिल्कुल सही है आपका सी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आप लोग जो है 33 का आंसर करें, पोएट्री म्यूजिक एक्शन ऑल जॉइनर टुगेदर कॉम्बिन, क्या लगा कॉम्बिन एंड मेक ए डांस। तो बताएं कि पोएट्री हो गया, म्यूजिक हो गया और एक्शन हो गया, ये सब मिल करके क्या बनता है? तो पेंटिंग हो गया, बुक बनता है, नॉवेल बनता है, सिनेमा बनता है। तो आप लोग बताएं तो 33 का आंसर क्या भरे हैं आप सभी, बताएं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अगर 13 के कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कोई, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना। चलिए यहाँ पे तो क्या होता है, देखिए ये सब चीज मिलकर के क्या बन जाता है, एक सिनेमा बन जाता है ना, सिनेमा बन जाता है। चलिए हो गया, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जिम वॉज वेरी एंग्री विद डैश फॉर बर्निंग लिप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया। प्रश्न है आप लोगों का, वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डोंट द डैश अकॉर्डिंग टू जॉन लियो टॉल्स्टॉय। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, 35 का आंसर क्या होगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोडेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोडेड, ठीक है, यहाँ पे फ्लोडेड जिसको बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, आप सभी का लास्ट एग्जाम है। तो यहाँ पे शर्मा सक्सेस ब्लॉग है, स्वीट रो है, रहमत अली है, भक्ति रतन है, उसके बाद एक बॉस जी हैं, चलिए साइलेंस है, सत्येंद्र हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हैं। गुड्डू गुड्डू हैं, अस के सागर हैं, ब्रोकन ब्रो, वाह बहुत ब्रोकन बॉस दिखे ना, चलिए अंशु हैं, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू जी आप लोग जुड़े हैं, इतना सारा प्यारा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पे जो है ना, वाटर रेन इन जो है स्ट्रीम डोंट द डैश जो है स्ट्रीट अकॉर्डिंग टू द लियो टॉल्स्टॉय, वो क्या फ्लोडेड, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा कि हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ जो है ना इंटरनेशनल अवार्ड फॉर फिल्म्स। जो मतलब बताना है कि फिल्म के लिए जो है ना मतलब किसको जो है ना अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताएं किसको प्राइज मिला था, किसको प्राइज मिला था, महादेवी वर्मा हो जाए, एक मिनट बताएं फिल्म के लिए किसको प्राइज मिला था। एक आप लोग का टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से आप लोग उसमें पढ़े होंगे, मतलब वाट, एक मिनट जरा रुकिएगा, तो एक सेकेंड चलिए एक मिनट, तो बताएं तो आप लोग इसमें क्या भर के आए हैं। गुड इवनिंग, तो यहाँ देखिए आप लोग को पूछा गया है कि हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर फिल्म्स। तो फिल्म्स के लिए सत्यजीत राय हो जाएगा ना, क्योंकि उसी ने तो लिखा है व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है कि द लॉयर जो है ना सफरेड ट्रिबली फ्रॉम डैश इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्पोरमेंट, यहाँ पे ठीक है इंस्पिनिशमेंट, ठीक है जी, चलिए 37 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, 27 का यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है आप लोग का डी नंबर लेजीनेस, ठीक है डी। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, विद एवरी स्टेप हल्कुस हेड सैंक लोअर, ठीक है, लोअर अंडर द डैश ऑफ जो है पॉवर्टी। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वर्डन, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, क्या लिखा है कि द डीपर द मेजर ऑफ जो है ना अनफ्लूमेंट द क्लोजर टू यू विल बी जो योर फुलफिलमेंट इज फ्रॉम डैश। तो बताएं यहाँ पर कहाँ से लिया गया इस लाइन को, ये कहाँ से लिया गया, द बेट से लिया गया, द बेट बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसी तरह से आप लोग जो है ना कॉमेंट वगैरह करते रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोग कॉमेंट कर रहे हैं, तो बस आप लोग का समझ लिया एक तरह से क्लास 10 तक के लिए तो एक तरफ से लास्ट ही ना जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सभी दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी का दोस्त वगैरह जो है ना अच्छी तरीके से जुड़ करके जो है ना क्या करें, आंसर को मिला ले। हम मानते हैं कि आप लोग इसमें कुछ नहीं होने वाला है, पास फेल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो यार, मतलब इतना मतलब 50 से प्लस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना दरअसल होता है क्या है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम भरेंगे तो आप लोग का अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए वर्डन, चलिए ये वाला हो गया, द बीट हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, एग्रीड जन एग्रीड यू स्टेप 2 मिलियंस आई माई फ्रीडम डिस फ्रॉम डैश। तो ये बताएं कि 40 नंबर जो दिया गया ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी उसी से लिया गया है, द बीट से, ठीक है, पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, 5 मिनट फास्ट एंड द जो है प्रिजनर नेवर वंस कलका पे स्ट्रेट इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर बताएं क्या होता है, तो वो एलर्जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से। अगला क्वेश्चन दिया गया, हु रोट, यहाँ पे क्या है, किसने लिखा है टू द बे टू द बाय एंड द फ्लाई, बताएं ये इसको जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैथरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैथरीन जो दिया गया ना, बिल्कुल मैंसफील्ड, कैथरीन मैंसफील्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वे क्या लिखा है यहाँ पे, वेन वर्ट डैश जो है ना एक्सक्यूड ए जो है ना क्या लिखा है यहाँ पे,
पंजेंट स्मेल, तो बताएं यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं, मतलब यहाँ जो ये वर्ड जो दिया गया ना पंजेंट बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह से दुर्गंध खराब हो, मतलब अच्छा आवाज उसका नहीं हो, ठीक है, तो मतलब आवाज बोलते हैं महक के बारे में, ठीक है। कहा जाता है एग्जाम खत्म बात खत्म, अगर किसी ने रिजल्ट पूछा तो रिश्ता खत्म। हम भागलपुर जिला से हैं और बिहार से ही पढ़ते हैं, नाम है असलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पता है कि किसको जलाने पर जो है ना एक खराब दुर्गंध निकलता है, तो पॉलीथीन को जब जलाते हैं तो बहुत ही खराब जो है ना मतलब महक निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न को, देखेगा 44 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िए यहाँ पर प्रश्न को। दिया गया कि राधा हैज लॉस्ट जो है ना क्वेट ए लॉट ऑफ डैश ड्यू टू हर जो है ना इसलोशन फ्रॉम कृष्णा, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्लोथ, जब क्या हो जाएगा क्लोथ जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द साइट ऑफ डैश जो है ना ब्लोम्स फायर्स द क्वेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 का आंसर, तो वो हो जाएगा मैंगोस, ऑप्शन जो दिया गया सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा 46 नंबर प्रश्न को, द पोटस इज है ना इज सर्चिंग फॉर क्या लिखा पे नेटल्स एंड वाइन्स, तो बताएं 46 का आंसर क्या होगा, तो वो क्या पे फादर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग ध्यान से देखिएगा कि द हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रेथ हिज जो है ना नेटिव एयर, तो 47 का आंसर क्या होता है एनेबल पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया कि डैश जो है ना पिक्चर्स ऑफ गोल्ड वर गिवेन टू द रिच मैन बाय द क्या लिखा है यहाँ पे विस यल्डिंग ट्री, बताएं तो इसका 48 का आंसर क्या हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्या यहाँ पे 4 पिक्चर्स मतलब हो जाएगा 4 चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए कितना नंबर प्रश्न दिया गया, 49 नंबर प्रश्न है कि वाइल द एडल्ट्स वर बिजी, मतलब जो मतलब कह सकते हैं बड़े लोग जो बिजी होते हैं, ठीक है, डैश ए लिटल द गर्ल्स वर द लिटल गर्ल्स वर प्लेइंग डैश, तो बताइए जबकि बड़े बुजुर्ग क्या हो जाते हैं काम में बिजी हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जो हम लोग के घर में होते हैं मतलब वो मतलब बाबू सब वो लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं तो जानते ही हैं, मार करना शुरू कर देते हैं, फाइटिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ओनली ए जो है ना स्मॉल सेक्शन ऑफ जो है ना सिविलाइज्ड पीपल हैव जो है ना अचीव्ड, बताएं यहाँ पर कि एक जो है ना मतलब कह सकते हैं ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ जो है ना सिविलाइज्ड पीपल हैव अचीव्ड, मतलब वो क्या मतलब कर सकते हैं कि पा सकते हैं बताएं, तो वहाँ पर क्या होगा हिस्ट्री, एक जो मतलब सिविलाइज जो उसमें संस्कृति वगैरह पूरा पूरा भरा गया हो ना वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं वो जो है ना हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। सर आप भागलपुर में कहाँ से हैं, भागलपुर में कहलगांव जानते हैं, मतलब भागलपुर हम लोग का जिला पड़ता है, वो हम लोग से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जी, अगर आप लोग का यहाँ का पढ़ाई समझ में आ रहा है तो बस आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी साथ में जरूर कर दीजिएगा, और 13 के कंप्लीट करने में आप लोग जरूर जो है ना मदद कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर सभी लोग जितने भी लाइव में हैं अगर सभी को मिल के लाइक और सपोर्ट मतलब शेयर करते हैं तो हम लोग का 13 के कंप्लीट आज ही हो जाएगा, ठीक है, तो उम्मीद आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको हम क्या बताएं कि ओनली ए स्मॉल सेक्शन ठीक है ऑफ सिविलाइज्ड पीपल हैव अचीव क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हिस्ट्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, द ओल्ड वोमेन्स वाज विजिटेड क्या लिखा है विजिट बाय यंग पीपल टू डैश मतलब हर 51 का बताएं क्या होगा इंसल्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर छोटे वगैरह का क्या करते हैं ज़्यादातर तो इंसल्ट ही करते हैं, कुछ भी देखा तो क्या बोलता है अरे बाल ऐसे काटा जाता है, अगर मान कर अभी समय फटा पुराना जींस है पहने को तो बताया कि फटा पुराना जींस पहनते हो ऐसे वैसे करके बहुत सारा ठीक है इंसल्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा कि वी स्लो थिंकर्स जो है अकॉर्डिंग टू ओचिशियन आर ट्रिवली, बताएं इसका आंसर क्या भर है आप लोग, 52 का क्या भर क्या है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हैंडीकैप्ड, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, धरती के लाल हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल, तो मतलब कि सिंपल बताएं। उसके बाद दिया गया है कि डैश पुट ओवर विथ स्टाइल, बताएं 53 का आप लोग क्या भर क्या है, तो ये क्या है स्टोरी है, क्या है स्टोरी हो जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि स्नो मोबाइल्स जो है ना कंज्यूम ए लॉट ऑफ डैश, तो बताइए कि वहाँ पे 54 का क्या होने वाला है, तो वो क्या होगा टाइम। ठीक है, स्नो मोबाइल जो है ना कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब मोबाइल वगैरह ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। ध्यान देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है कि हुज डैश जो है ना सप्लाई हिम विथ ए टायर, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा फील्ड एंड ग्रोप्स, क्या हो जाएगा फील्ड एंड ग्रोप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न यहाँ पर, ए डैश हैज बीन जो है ना क्रैप्ड बाय राधास टीयर्स, जो बताएं कि आप लोग का 56 का आंसर क्या वर्क है, तो वो आएगा सी। ठीक है, ए सी जो है ना हैज बीन जो है ना क्रैप्ड, क्या लिखा है बाय राधास टीयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखना है, वेन एवर देयर इज जो है ना वार्म्थ इन ए रिलेशनशिप डैश ऑटोमेटिकली जो है ना विनिशेस, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो बताएं यहाँ पर 57 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताना अटेंशन, क्या अफेक्शन होता है। ठीक है, एक सेकेंड 57 के क्या प्रश्न था आपका, कि वेन एवर देयर इज जो है वार्म इन ए रिलेशनशिप डैश जो है ऑटोमेटिकली विनिशेस, ठीक है अफेक्शन। चलिए बहुत अच्छा, तो आप लोग देखिए ज़्यादातर एग्जाम में जो है ना ज़्यादातर बच्चे इस टाइप में क्या करते हैं ग्रामर बनाते हैं, क्योंकि ग्रामर आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल ये वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 58 नंबर प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, द डिमोन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम, तो यह लाइन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा द जो ना इम्प्योरिटी हर्ट से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज जो है ना सेपरेटेड फ्रॉम इट्स डैश बिलव्ड, मतलब जो कोयल जो है ना मतलब आराम कब करता है, जब उसको पता होता है, ठीक है, जब उसको पता होता है कि मैं जो हूँ मतलब मेरे उसके बगल में जो है ना उसके जो प्रेमिका होती है उसको सेपरेट करती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है, तो वो क्या हो जाती है ना रेस्टलेस हो जाती है, मतलब आरामदायक। ठीक है, चलिए इसी तरह से होता है। यहाँ तक हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, 60 नंबर प्रश्न को क्या दिया गया है, द रिच मैन जो है ना प्रेड कौन कॉन्टिन्यूसली, क्या पढ़ देते हैं, एक सेकेंड। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था आप लोग का, कि द रिच मैन प्रेड कॉन्टिन्यूसली टू द डैश, बताएं क्या होगा 60 का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पीपल ट्री, क्या हो जाएगा पीपल ट्री, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, डायरेक्शन आप लोग का कि 61 से 67 तक जो है ना चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इनमें से सही सही वर्ड वो कौन कौन सा आप लोग को यहाँ पे चुनना है, उसमें चुन के बताना है 61 का, तो 61 का हो जाएगा रेप्टी, और ऑप्शन जो ए दिया गया वो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 62 नंबर में जो है आप लोग का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो ओ बी एल ई, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे सी नंबर जो है ना ऑब्लिगेशन, क्या यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो दिया गया वो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 63 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, पेंट्रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेंट्रेट है ना पेंट्रेट, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पेंट्रेट, ऑप्शन पी एन ई टी आर ए टी, पेंट्रेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, 64 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न जो दिया गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है विकेज यहाँ पे ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ पे क्या यहाँ पे विक्रेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, 65 नंबर प्रश्न को देखिएगा, इंटरप्शन जैसे बोलते हैं ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ई एन आई एन टी ई डबल आर यू पी टी आई ओ एन, ठीक है इंटरप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उसके बाद दिया गया यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर उसके 66 का भी ए सही है, पे कैचेस लिखा है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ट्रेम्बल जो होता है बताएं यहाँ पे 67 का आंसर क्या होगा, तो वो ट्रम्बल होता है, ट्रेम्बल नहीं होता है, ट्रम्बल टी आर यू एम बी एल ई ट्रम्बल। ठीक है, मतलब ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, प्रश्न दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो कि चूज करे जो वैसे को जो कि मतलब उसके नियम के जो नीचे दिया गया ना वो उसको क्या करता हो, फॉलो करता हो। ठीक है, तो अगर आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में जो है ना आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से जो है इंटर क्लास कराया जाएगा, बस आप लोग जो है इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो बहुत ही बेहतर चीज़ आप लोग को यहाँ से जो है हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, 68 नंबर प्रश्न दिया गया कि डायरेक्ट स्पीच, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको क्या करना है डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि डायरेक्ट स्पीच, एक मिनट
डायरेक्ट स्पीच मतलब इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द फादर जो है ना क्या लिखा है यहाँ पे, फॉरबेड हिज डॉटर टू गो आउट, बताएं यहाँ पे इसके अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को थोड़ा सा एक बता दें कि हम लोग जो है अभी फिलहाल में 12,980 के आसपास पहुंच चुके हैं, बस 20 लोग उसमें को 20 से लिया 19 बचा, ठीक है, मात्र 19 बचा है, जिसमें से हम लोग कितना पहुंच जाएंगे कि 13 के जो है ना कंप्लीट कर जाएंगे। तो बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अभी तक नहीं किए वो जरूर इसमें थोड़ा सा कर दीजिए, ताकि आप लोग का एक प्यार और सपोर्ट बना रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा, सिर्फ अब 15 बचा हुआ है, आप लोग इसी तरह से कर दीजिएगा, हम जो है ना सिर्फ आंसर बताने से मतलब रख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए आप बच्चे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि पूरा पूरा दिखेगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फादर जो है ना फॉरवर्ड हिज डॉटर टू गो आउट, इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, तो वो हो जाएगा आपको डायरेक्ट स्पीच ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या यहाँ पे द जो है ना द फादर जो है स्कॉलेड हिज डॉटर टू जो डोंट गो आउट, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, 69 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट स्पीच ऑफ जो है समीर एक्सक्लेमेड जो है ना विथ डिलाइट द दैट इट वॉज वेरी नाइस ड्रामा, तो बताएं इसका आंसर जो होगा आप लोग का वो क्या होने वाला है, तो वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर सेठ। समीर क्या कहता है यहाँ पे, कहता है व्हाट ए नाइस ड्रामा इट इज, यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न क्या दिया गया है, सुनैना रिक्वेस्टेड रोहन टू पुट ए शॉवल ऑन हर, मतलब उसके लिए मतलब वो क्या बना पे सुनैना जो है क्या प्रश्न है, सुनैना क्या कर रही है यहाँ पे, रोहन से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसके लिए, टू पुट ए शॉवल मतलब उसके एक शॉवल को रखने के लिए, ठीक है उसके ऊपर। तो उसका बताएं यहाँ पर कि इसका डायरेक्ट स्पीच इनमें से क्या होने वाला है 70 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनैना सेज टू रोहन विल यू प्लीज पुट ए शॉवल ऑन मी, मेरे लिए रख सकते हो, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है, एग्जाम खत्म हो गया लग रहा है, युद्ध जीत के आए हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग का, 71 नंबर प्रश्न है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है किसका, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग आउट, मतलब उसे मैं पूछता है कि आई सेड टू हिम, मतलब मैंने उससे कहा आर यू गोइंग आउट, तुम क्या बाहर जा रहे हो, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है कि 71 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा कि इफ यू इज गोइंग आउट, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न को क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, प्रश्न कुछ इस टाइप का कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ जाना त्रिपति सेड उमा आर यू फीलिंग वेल नाउ, तुम अच्छा महसूस कर रही है उसे पूछती है, तो इसका बताना कि इनडायरेक्ट स्पीच इनमें से क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपति सेड टू उमा, तृप्ति उमा से कहती है इफ सी वार फीलिंग वेल, ऑप्शन जो है बी दिया गया वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 73 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना द पैसेंजर सेड टू द ड्राइवर आर यू ड्राइविंग फास्ट, मतलब उसमें पैसेंजर क्या पूछता है उससे कि आप लोग जो है ड्राइविंग मतलब फास्ट, तो बताया इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पैसेंजर सेड टू द ड्राइवर दैट की ही इज ड्राइविंग फास्ट, मतलब वह गाड़ी फास्ट चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न को, 74 नंबर प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पर, क्या लिखा गया, चूज द जो है ना मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, उसमें जो क्या फील मतलब सही से अट जाए, ठीक है, मतलब आ जाए, तो प्रश्न है कि माई पेरेंट्स आर हैप्पी डैश मी, तो यहाँ पर देखिए वो क्या होगा, बाय तो होगा नहीं, एट तो होगा नहीं, बीत तो होगा नहीं, माई पेरेंट्स आर हैप्पी फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पे क्या दिया, क्या यहाँ पे, तो माई पेरेंट्स आर हैप्पी क्या यहाँ पे फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मेरी माँ मतलब एक मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं कि माई पेरेंट्स आर हैप्पी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो खुश हैं, ठीक है, फॉर मी मेरे लिए खुश नहीं होना चाहिए, विथ मी होना चाहिए, क्या यहाँ पे, देखिए माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे साथ में खुश हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा ये वाला हो गया, उसके बाद देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि क्या लिखा कि द गर्ल जंप्ड डैश द स्विमिंग पूल, ठीक है, इन टू द स्विमिंग पूल, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, 76 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, गुड हेल्थ डिपेंड्स डैश जो है ना प्रॉपर डाइट, तो बताएं यहाँ पर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ जो है ना मतलब अच्छा सेहत जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रॉपर डाइट मतलब किसके ऊपर, मैं अच्छे खाना पीना से, ठीक है। राहुल सर हम भी भागलपुर में कहलगांव से हैं, कहलगांव तो मतलब कहलगांव का कौन सा क्षेत्र बताइएगा जरा सर,
कहलगांव का बहुत सारे जानते हैं, जैसे कि कजपुरा, पैठनपुरा, ये कोतवाली, ये सब कहलगांव का ही इलाका पड़ता है। तो गुड हेल्थ जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर खाने पीने के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंट फॉल, क्या लिखा है, डोंट फॉल, एक मिनट, डोंट फॉल डैश बैड या पे कंपनी, बताएं 77 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं फिर क्या होगा। डोंट फॉल जो है ना डैश जो है ना बैड कंपनी, तो बताएं आप लोग इसमें क्या भरे हैं। ठीक है सर, न बता से चलिए एक बार बताएं आप लोग इसमें क्या भरे हैं। डोंट फॉल डैश बैड जो है ना, बताएं आप लोग इसमें क्या भरे हैं। चलिए ये वाला ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट, एक चीज़ देख रहे हैं ना आप लोग का कमेंट में, मतलब ऐसा है तो खुशी देता है ना कि मत ही पूछो, ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, तो बताएं आप लोग 77 का आंसर आप लोग करो, ठीक है, अगर नहीं किए तो हम खुद आप लोग को बता देंगे। ठीक है चलिए जी, ये वाला हो गया, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि द पेशेंट जनरली कवर्ड डैश हिज मेजर इलिनेस, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं यहाँ पर क्या भरे, आप लोग तो कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो द पेशेंट जो है ना रिकवर, मतलब पेशेंट वगैरह जो रोगी वगैरह जो होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो प्रश्न था यहाँ पर कि पेशेंट जो है ना रिकवर किया जाता है, मतलब वो ठीक हो जाती है, डैश हिज मेजर इलिनेस, मतलब क्या हो गया, फ्रॉम हिज मेजर इलिनेस, वो मतलब हो गया अपने जो भी चीज़ से परेशानी थी वो चीज़ से वो दूर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, द चीफ, क्या लिखा गया, द थीप वॉज काउट डैश द पुलिस, तो बताया यहाँ पर कि जो चोर जो था ना वो पकड़ा गया था डैश के द्वारा, बाय द पुलिस, किसके द्वारा पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा, तो बाय द पुलिस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जी, बिल्कुल, ये तो आप लोग का कायना सर बहुत ज्यादा समझा रहे, थैंक यू जी। देखिए दरअसल ये आप लोग का आंसर की बता रहे, तो ज्यादातर कोशिश कर रहे कि हम जो ना थोड़ा फास्ट में कर दे। ठीक है चलिए, ये वाला हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि सुमिता, प्रश्न क्या है यहां पर कि सुमिता कैम डैश जॉइन ट्रेन, तो बताएं इसका आंसर आप लोग क्या भरे हैं, सुनीता के बारे में, सुनीता कैम जो है ना डैश बताना फिर ट्रेन, तो सुमिता कैम मतलब आई है किसके द्वारा, तो यहाँ पर देखिए ऑन दिया गया है, ट्रेन पर तो आएगी नहीं, फोर ट्रेन के लिए सुमिता कैम फोर डैश, सुमिता आई है ट्रेन से, ट्रेन एक मिनट, तो फ्रॉम तो होगा नहीं, एक मिनट देख लीजिए ध्यान से, सुमिता जो है ना सुमिता कैम फॉर आई फॉर ट्रेन, ठीक है, सुमिता कैम फॉर ट्रेन, तो सुमिता जो है ना किसके लिए आई है, तो ट्रेन के लिए आई है, मतलब ट्रेन पकड़ना होगा बेचारी को। अगला प्रश्न दिया गया, चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ फ्रॉम ऑफ वर्ब, बताएं इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से, वी डैश कीप आवर प्रोमिस, तो बताएं यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, नीड कीप योर आवर जो प्रोमिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एवरीबडी डैश, क्या है, एवरीबडी डैश टू डांस एंड इंजॉय द पार्टी, ये लाइन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये लाइन आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे थे, चाहते थे कि हम लोग डांस करें और पार्टी करें, ठीक है, इंजॉय द पार्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा राइट आंसर, एवरीबॉडी वांट, सभी लोग चाहते थे कि मतलब डांस करें, मस्ती करें और पार्टी बनाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द जो है ना वोमेन ऑफ माय विलेज डैश, यहाँ पे बताएं, तो मेरी गांव की जो महिलाएं हैं वो क्या है, अनपढ़ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाए, इज इलिटरेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो गया यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इच सर्वेंट यानी प्रत्येक सर्वेंट डैश ए मिल, तो यहाँ पे गेट ए मिल, ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टू सिंग वेल अच्छे से गाने के लिए डैश यानी ग्रेट स्किल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन रिक्वायर, मतलब उसको जरूरत है ग्रेट स्किल, तो एक अच्छा स्किल की जरूरत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुमन डिड नॉट डैटर, तो यहाँ पे सुमन डिड नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं इसका, तो वो क्या हो जाएगा, भी वन लग जाएगा, यहाँ पे राइट लेटर क्या हो जाएगा, सुमन डिड नॉट राइट ए लेटर, वो एक पत्र को नहीं लिखती है, उसके बाद देखिए नहीं मतलब नहीं लिखा गया उसके द्वारा। चलिए एक सेकेंड, चलिए ये वाला हो गया, चलिए बहुत अच्छा जी, आप लोग बस इसी तरह से अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, और एक मरतब देख लेते हैं कितना पूरा हम लोगों का, वाह मात्र में 16 पीस, मतलब 16 सब्सक्राइबर और बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है ना 13 के कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग जो इतना तक पहुंच चुके हैं, कितना तक पहुंच चुके हैं हम लोग,
वो हम लोग 87 तक पहुंच चुके हैं, और जो आप लोग का बचा हुआ है सिर्फ मात्र में 13 बचा हुआ है, तो 13 को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। बस आप लोग जो है ना, बस इसमें आप लोग सपोर्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि जो है हम लोग इसमें, देखिए वाह क्या को इंसिडेंट, देखिए 13 इधर बचा हुआ है, 13 ही पुण्य इधर भी बचा हुआ है, तो आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी से एक बार कर दें सभी, ठीक है। तो सभी जो है ना आप लोग वीडियो को, अगर आप लोग का समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप, ताकि वो जो है ना आप लोग का कितना पूर जाए, वो 13 के हम लोग जो है ना फैमिली इसमें कंप्लीट कर लें, कर दीजिए। हम लोग इधर 13 करने से पहले देखते हैं किधर होता है कंप्लीट, ठीक है। वाला हो गया था, देखिए हु क्या प्रश्न, हु जो है ना क्या लिखा है, हु डैश माई बुक, तो हैज स्टोलन माई बुक, तो मेरा किताब को किसने चुराया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आप बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनलीगल, यहाँ पे इलीगल, इलीगल का क्या होगा, लॉफुल, मतलब इलीगल का मतलब क्या हो जाता है कि जो है ना, चलिए तो यहाँ तक हो गया, सब कुछ नियम से चल रहा है, लव फुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि चूज द करेक्ट जो है, सिर्फ 81 लाइक, क्या बात है, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं जी। तो प्रश्न दिया गया, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जो है नोइसी, इसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्वाइट, ऑप्शन जो दिया गया ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ जो है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए साइनोनिम का मतलब क्या होता है, वो होता है समानता वाला शब्द, आप लोग पर्यायवाची शब्द को पढ़े हैं ना, बस वही चीज आप लोग का यहाँ दिया गया है, तो आप लोग बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 90 नंबर प्रश्न दिया गया, और आप लोग इसका आंसर कमेंट करते जाएं कि क्वेश्चन का क्या होगा, तो क्वेश्चन करने का मतलब क्या होगा, लेटर लिखना तो होगा नहीं, एनवी तो होगा नहीं, किप तो भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग का इंक्वायरी, क्वेश्चन करना से रिलेटेड क्या होगा, इंक्वायरी जो है वो मिलता जुलता वर्ड है, यानी कि इसको बोलते हैं साइनोनिम, मतलब समानता वाला शब्द। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट जो है साइनोनिम ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता टाइप का हो, आजादी, आजादी का भी क्या होता है, स्वतंत्रता हो जाएगा ना आप लोग का जो दिया गया है, तो मतलब समानता वाला शब्द क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है आप लोग का, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो दिया गया है उसके अनुसार उनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है उसको आप लोग को चुन के इसमें जो है ना बताना है, तो एक्टिव वॉइस ऑफ, यानी का जो है एक्टिव वॉइस को बनाना है, द नोवेल हैज बीन जो है रीड बाय मी, तो यह जो नोवेल जो है मेरे द्वारा पढ़ा गया है, तो बताएं इसका आंसर जो है 92 का क्या आप लोग होगा बताएं, तो इसका आंसर जो है ना एक मिनट यहाँ हो जाएगा, नीचे दिया गया प्रश्न क्या है, द नोवेल जो है रीड बाय मी, तो मेरे द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि सभी ऑप्शन जो है प्रॉपर दिखे, तो क्वेश्चन आप लोग एक्टिव वॉइस ऑफ द जो क्या लिखा है, द करेक्शन इज डन बाय द टीचर, उसके बाद बताना इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसको देखिएगा, डू द करेक्शन बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा उसको किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं 94 नंबर, 94 नंबर प्रश्न भी अच्छा से दिया गया था, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद देख लिया पैसिव वॉइस ऑफ जो है मिनट क्या लिखा है, रमेश जो है हेल्प्ड रंजू, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखा है कि रंजू हेड बी जो है हेल्प्ड बाय रमेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, 95 नंबर प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस ऑफ सीमा इज टू डू इट, मतलब सीमा तुम इसे कर सकती हो, ठीक है, मतलब कर सकते सीमा कर मिनट, सीमा इज टू डू इट, मतलब वही चीज़ है कर सकती है बताएं, तो 95 का आप लोग क्या भर के आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, तो इट इज जो है ना टू बी डन बाय सीमा, मतलब सीमा के द्वारा करा जा सकता है, ऑप्शन जो दिया गया है देखिए पैसिव वॉइस में बाय आता है और किसी में बाय नहीं, तो आप लोग का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 96 नंबर प्रश्न को देखेगा, प्रश्न कुछ इस टाइप का दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, पैसिव वॉइस ऑफ वाई हैज जो है ना अनुराधा क्या लिखा स्कॉलेट बाय स्कॉलेट यू बताएं, तो 96 का आंसर आप लोग क्या क्या भर के आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाई हैव यू बीन जो है ना स्कॉलेट बाय अनुराधा, ठीक है। उसके बाद अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद दिया गया आप लोग का पैसिव वॉइस ऑफ यामिनी इज ड्राइविंग द जीप, यानी कि यामिनी जो कार ड्राइव कर रही है मतलब चला रही है, इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, द जीप इज जो बीइंग ड्राइविन बाय जन यामिनी, यामिनी के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को हो गया। चलिए हम खगड़िया से हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है जी, खगड़िया से भी हैं, तो मतलब बहुत बहुत दूर से प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर प्यार में मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा आप सभी, बस आप लोग इसी तरह से बनाए रखें, और जो आप लोग का जो नेक्स्ट जो आप लोग का टारगेट होने वाला है मतलब इंटर का क्लास के लिए, अगर आर्ट्स लेते हैं तो भी, साइंस लेते हैं तो भी, यहाँ से आप लोग को पढ़ाई का जो है ना सिलसिला जारी रहेगा, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जो है ना आप लोग का केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, मैथ भी हो जाएगा,
चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दिया गया है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि इसका जो इंग्लिश करेंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बुक्स स्टडी रिलीजियस, मतलब कि धार्मिक जो किताब है उसको पढ़े, ठीक है, स्टडी रिलीजियस बुक, क्या ये वाला हो जाएगा ना, स्टडी रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे गांव में एक मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे तो बताएं यहाँ पे क्या, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में क्या एक मंदिर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गाँव में, ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए सर हम 10 का बी भरे हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं रिजल्ट में नंबर 400+ आएगा, वेरी गुड, क्या बात है जी। चलिए उसके बाद यहाँ तक कर चुके हैं, उसके बाद देख लीजिए लास्ट प्रश्न क्या दिया, एकता में बल है, अगर आप सभी एक हैं तो आप सभी को कोई नहीं हरा सकता है, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही लाठी को अगर बहुत सारी लाठी के साथ में एक कर दिया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है यूनिटी, हमें बताना है कि एकता में बल है तो वो क्या होगा इसका आंसर, वो क्या होगा कि एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का देयर इज जन स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब एकता में बल है, तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया वो राइट आंसर है। तो आप सभी को अगर पढ़ाई थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से लाइक जरूर कर दें, और आप लोगों का जो सफर है इसी तरह से आगे भी यहाँ से बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग की मर्जी के मुताबिक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा कुछ लोगों का कमेंट देख लेते हैं, अगर आप लोग इसमें से बहुत से जो है ना लेट से भी जुड़े हुए, ठीक है, तो आप लोग रुके रहिएगा, आप सभी के लिए जो है ना रिपीट भी करा देंगे, आप लोग थोड़ा सा रुके रहिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हम कमेंट पे देख लेते हैं ध्यान से, थोड़ा सा क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सिर्फ हम कमेंट कर रहे हैं सर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई तो बोलो हम दरभंगा से हैं, चलिए क्या बात है कि दरभंगा से भी हैं, चलिए बहुत अच्छा, ओके बाय एवरीवन, सी यू सून, वाह क्या बात है, फिर मिलेंगे। चलिए मैं इंटर के लिए पटना ही जाऊंगा, मेरे भैया पटना ही रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं जी, पटना में भी रहें कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से भी मतलब ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए बहुत अच्छा जी सर, चलिए सर हम भी दयालपुर लालापुर से हैं, लालापुर मतलब ये तो इधर भी पड़ता है राहुल, कहलवा तरफ पड़ता है ना लालापुर, दयालपुर, हाँ ये चीज नाम सुने हैं लालापुरम, ठीक है राहुल, इसका मतलब राहुल हम लोग के इधर से है, आप लोग तब तो विक्रमशिला भी जानते होंगे, बेगूसराय से जी बिल्कुल, बेगूसराय के बारे में जानते हैं, आशा नारायण मतलब सर आपकी शादी हो गई इतना जल्दी क्यों, मतलब अभी बहुत कुछ करना है जिंदगी में, यस यस, तब तो विक्रमशिला, क्या बात है, विक्रमशिला जो है ना आप लोग जो पढ़े होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ना हम लोग के घर से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, विक्रमशिला, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना वो हम लोग के घर से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर है सर, 3, हाँ भाई 4-5 के आसपास है, 4.5 से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र में सिर्फ 10 लोग बचे हुए हैं जिसको ऐड हो जाने के बाद जो है ना 13 के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो 12,990 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र में कितना बचा हुआ है तो ध्यान से देखें सिर्फ 10 बचा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है ना 100 प्रश्न किए हैं, कितना प्रश्न, 100 प्रश्न, और लाइव में अभी भी कितने भाई जुड़े हुए हैं तो वो मतलब 150 से प्लस जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए फटाफट से एक बार जो है ना सभी को मिल करके जो है ना क्या कीजिए सपोर्ट करना है, सभी को मिल करके क्या करना है, सपोर्ट करना है, एकदम फुल सपोर्ट करना है ताकि जो है ना पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप लोग कितना देर में सपोर्ट करते हैं, मात्र में बचा हुआ है 9, सिर्फ 9 बचा हुआ है, चलिए 8, 7, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से करते जाइए, बहुत अच्छा, बिल्कुल 9 बचा था, 8 बचा, 7 बचा, और इसमें तो थोड़ा लेट भी हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कहलगांव जाने के लिए, ओहो विक्रमशिला से ही ट्रेन पकड़ते हैं सर कहलगांव जाने के लिए, ओहो मथुरापुर धर, समझ गए समझ गए, बिल्कुल उसको अच्छे से जानते हैं। चलिए तो जो लेट से जुड़े हैं कोई बात नहीं, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं एक बार फिर से जो है ना आंसर बता देता है, आप लोग जो है ना बिल्कुल आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कितना से 1 to मतलब 100, ठीक है,
तो जो लेट से जुड़े हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग के लिए फिर से हम आंसर की बता रहे हैं, आप लोग जो है उसको क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया था स्क्रीन पर देखिएगा, प्रश्न क्या है यहाँ पर, म्यूजिशियन सेज दैट क्या लिखा है, व्हेन ही गोस टू द सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए डैश जो है ना फॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होपलेस, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी जो दिया गया ना बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया गया, सभी का आंसर वन बाय वन करके बताएंगे, बस आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, ठीक है, मतलब देखते रहिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अंग संग सुई की एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर ऑल जो है ना द डैश ऑफ वर्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा अप्लाइड डैश ऑन द वुड्स ऑफ गिल्लू, तो मतलब इसका प्रश्न का हिंदी अगर देखिए, हिंदी समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हम भी आपके यहीं आस पास है, कोई बात नहीं जी, फिर भी मिलेंगे कभी आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग के लिए एक जानकारी बता दें कि देखिए बोर्ड के द्वारा जो है बहुत सारी जानकारी दिया जाएगा जो कि मतलब आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी होगा, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप मतलब जैसे कि बोर्ड के द्वारा कभी होता है ना रिजल्ट निकलने वाला है या कुछ और होने वाला है या मतलब किसी रिजल्ट कब निकलने वाला है, कहीं का एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो गया, तो वह सब चीज़ बहुत सब चीज़ों के जो है ना उसमें जानकारी आप लोग को जो है ना बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आप लोग उस सभी चीज़ों को चाहते हैं कि आप लोग को यहाँ से मिलता रहे, ठीक है, तो आप लोग जो है ना एक नंबर दिए हैं, उस नंबर पर जो है ना आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, ATSAWE व्हाट्सअप, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आप लोग का जितना भी तरह का प्रॉब्लम हो वो सारा चीज़ इसके जो है ना आप लोग को सॉल्व किया जाएगा, मतलब ग्रुप के जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है पर्सनल, आप लोग उस पर जो क्या कीजिएगा, उसमें जो है ना चलिए इस पर मैसेज कीजिएगा, हाई लिख करके आप लोग क्या करेंगे उसमें जो है ना व्हाट्सअप में जोड़ देने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए पिन कर चुके हैं कॉमेंट में, आप लोग जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वहाँ से जो है आप लोग को मैसेज कर देना है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा अप्लाइड मतलब महादेवी वर्मा अप्लाई करती है ऑन द जो है ना वुड्स ऑफ गिल्लू, तो गिल्लू के घाव के ऊपर में क्या लगाती है, नवे बताएं क्या हो सकता, तो वो यहाँ पे क्या होता है पेनिसिलिन, ठीक है, यहाँ पे घाव को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वंस अपॉन जो है ना वंस अपॉन ए टाइम सोज दैट डैश जो है ना वुड वी वाइब्रेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर कांस सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिटी क्या दिखाता है, तो यूनिटी दिखाता है वंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का, फाइव नंबर प्रश्न है, द सिनेमा इज आवर एस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डैश आर्ट फ्रॉम, तो ये जो लाइन जो लिया गया ना वो कहाँ से लिया गया, तो यूनिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, सिक्स नंबर क्वेश्चन है एक्सेप्ट महादेवी वर्मा जो है ना क्या लिखा है, एवरीबडी वॉज श्योर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट जो है ना, तो बताना है कि सब एक्सेप्टेड महादेवी वर्मा जो है ना एक्सेप्ट करती है कि सभी लोग क्या कहते हैं कि गिलहरी जो है ना गिलहरी का घाव नहीं सूखेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन कहता है, तो वो सभी लोग कहते थे क्या नहीं सूखेगा, तो घाव यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रिंक, या भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आप लोग का ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है ना कुछ पी खा भी नहीं रहा था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सेवन नंबर प्रश्न है यहाँ पर क्या लिखा गया कि ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर गेसलर नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू डैश, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रिलैक्स के लिए, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो ए जो दिया गया ना बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा मस्त गया है सर एग्जाम, बिल्कुल यहाँ पे जाना ही चाहिए मस्त, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा चलिए मात्र में एक बचा हुआ है, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए आप लोगों के लिए, मात्र में एक बच्चे में एक अगर करेंगे तो बस आप लोग देखेगा कि आप लोग के सामने में कितना लिखा हुआ आ जाएगा 13K, जो सब्सक्राइबर में देख रहे हैं ना वो 13K आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी से बस छोटी से कह सकते हैं रिक्वेस्ट, आप लोग जो एकदम बिल्कुल सभी को सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल सभी को, ठीक है, जितने भी लाइफ में जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर गेसलर नेवर गेव जो है ना हिमसेल्फ टाइम टू डैश, तो वो जाएगा रिलैक्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रश्न आप लोगों का कि द डॉटर वेरी मच जो है ना एडमाइंड हर मदर्स जो है ना अन क्या लिखा पे अनमिनिस्टर्ड, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या चीज़, वो हो जाएगा लव, किसके लिए लव हो जाएगा, वाह। चलिए थैंक यू सो मच, आपसे भी इतना सारा प्यार दिए कि जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा 10K भी इधर ही पूरा है और 13K भी आप लोग का इधर ही पूरा दिए, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जो क्या करते हैं इसका आंसर आप लोग का बता देते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया गया कि हल्कू हैंड जो है ना हल्कू हैड वॉर्प्ड हिमसेल्फ इन ए डैश, तो बताएं यहाँ पे क्या होता है, वो ओल्ड स्वेटर होता है मतलब ठंडी के दिनों में मतलब बचने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा ये वाला हो गया।
देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया कि द लेडीज इन द पार्टी कॉल्ड सन एंड मून द डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्स एंड टाइगर्स, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग, 11 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू गिव अप डैश फार्मिंग, तो बताएं यहाँ पर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक, अभी क्या हो जाएगा मुन्नी जो मतलब हल्कू से एडवाइस देता है, सलाह देता है किसको रख लो ऑर्गेनिक नहीं फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि वीक फर्म्स जनविक फर्म्स क्या दिखाया गया यहाँ पे, फिर फर्म्स है गोट देयर बिजनेस थ्रो, तो वो क्या बिजनेस वगैरह क्या एडवर्टाइजर पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा प्रश्न को क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, द डैश जो है ना क्या लिखा पे मॉन्क्स हैव बीन एंड क्या लिखा है हमिलेटेड, ठीक है हमिलेटेड वो क्या हो जाएगा इंडियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इंडियन फिल्म जो है ना शुड बी मोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा रियलिस्टिक बनेगा, ठीक सत्यजीत के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि द ओल्ड वोमेन्स जो है ना रिपीटेशन फॉर डैश जो है ना उसके बाद है डैश इज विदाउट पीयर, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर आप लोग क्या क्या भर के आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या यहाँ पे द ओल्ड वोमेन्स जो है ना रिपीटेशन फॉर डैश जो है विदाउट पीयर, मतलब वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं जो है ना बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, विदाउट नोइंग द रीजन मत जो है ना द मदर्स स्टार्टेड, मतलब कारण बिना जाने ही माँ क्या करने लगती है रोने लगती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए दिया गया कि द पोर्टर हैज ए वेरी डैश माइंड इनका जगह इंटेलिजेंट माइंड, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न है यहाँ पर, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स यू कैन मतलब कि कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो लिया गया ना पॉलीथीन बैग से लिया गया है, इसको मतलब यू क्या लिखा है लाइक जो है ना यू कैन जो है ना लिखा गया है कि यू कैन डू नो हार्म, ठीक है मतलब एक तरह से कह सकते हैं पॉलीथीन बैग जो है ना हम लोग को हानि पहुँचाता है, हम लोग उसको हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ये वाला हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वोमेन द यंग जन विजिटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ डैश, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा, तो वो क्या यहाँ पे वो सस्पिशन ऑप्शन क्या दिया गया है, वो ऑप्शन मसी जो दिया गया ना वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हु रोड जो है ना हु रोड पॉलीथिन बैग, तो पॉलीथिन बैग किसके द्वारा गया है, तो वो दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा, ऑप्शन क्या दिया गया ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, हल्कू सेड द क्या लिखा है, हल्कू सेड दैट ही विल जो है ना ही विल टू पुट अप विद द क्या लिखा है लैंड लॉर्ड्स, तो यहाँ पे बताएं क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीट हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा बीट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, स्मोकिंग एंड डैश जो है ना एड द रिस्क ऑफ द एक मिनट कौन मैसेज कर रहे थे, रिस्क ऑफ जो है ना कैचिंग एंड एलर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डायबिटीज, क्या हो जाएगा डायबिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा, क्या लिखा है, ग्लोस वर्थी ऑफन डील्स विथ डैश जो है ना उसके बाद एक यहाँ लिखा गया है ग्रीवेंस इन हिज वर्क, वो क्या हो जाएगा पब्लिक, क्या यहाँ पे पब्लिक जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग को बता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, 24 नंबर प्रश्न है, हु इज क्या लिखा गया, हु इज द ऑथर ऑफ जो है ना सन एंड मून, तो सन एंड मून जो है ना बताना किसके लेखक कौन है, यहाँ पे कैथरीन जो है ना कैथरीन मैंसफील्ड सी जो दिया गया इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए बहुत अच्छा ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, प्रश्न है 25 नंबर, द पोर्टर्स बॉडी कैसा था, मतलब पोर्टर्स का बॉडी कैसा था, तो फैट था मतलब मोटा था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है, ऑन हियरिंग मार्थास डैश द चिल्ड्रेन वर्जन ट्रांसपोर्ट टू ए ड्रीमलैंड, यहाँ पे क्या ड्रीमलैंड वो स्टोरी था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है, राधास फ्रेंड जो है ना बिलीव दैट, राधा की जो है ना सखियाँ क्या करती है, विश्वास करती है डैश विल कम मतलब वह दोबारा आएगा, तो राधा की सख्या क्या विश्वास करते हैं, कौन दोबारा आएगा, तो कृष्णा दोबारा आएगा, ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर ए जो दिया गया ना वो राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, 28 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया है, द डैश ऑफ लव्स है जो है ना चार्ड बाय विंग्स, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पार्क, ऑप्शन जो दिया गया है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान देखिएगा प्रश्न क्या दिया गया, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट जो है ना मीट डैश फॉर जो है ना सम टाइम, बताएं यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा। ठीक लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मीट मतलब मिलने के लिए नहीं जाता है फॉर जो है ना सम टाइम, किससे राधा, राधा के लिए जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी जो दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द हाई पिचेड द हाई पिचेड स्ट्रेंड ऑफ द कोयल क्या लगेगा वैक्स इन द पोर्ट सोल 8000, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिजायर, क्या हो जाएगा डिजायर जो दिया गया ना ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो इसका राइट आंसर है। ठीक है चलिए बहुत अच्छा ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, द बर्मीज पीपल क्रैब फॉर डैश, तो बताएं बर्मा के पीपल जो ना रोते हैं किसके लिए, क्या चीज़ के लिए रोते हैं, वहाँ पर जो है ना जिंदगी बहुत ही कठिन हो जाता है लोगों का। ठीक है तो वो हो जाएगा हैप्पीनेस के लिए, मतलब खुशी के लिए क्या करते हैं वो लोग रोते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को खुशी जो है ना मतलब नहीं मिल पाता है। ठीक है सही से चलिए ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से देखना है। 32 नंबर प्रश्न दिया गया कि मलासा वाज वेरी डैश एंड सी वांटेड टू रिटर्न होम क्विकली, जो है राधा क्या है यहाँ पे मलासा जो है बहुत ही खुश थी मतलब खुश है और वह चाहती क्या है कि वह घर तुरंत आ जाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी जो दिया गया ना यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए ये वाला हो गया। अगला पर ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, पोएट्री, अब क्या लिखा है पोएट्री म्यूजिक टुगेदर कॉम्बिन एंड मेक ए डैश, तो हो गया मतलब कहानी उसमें म्यूजिक उसमें मतलब मार एक्शन मतलब कि मारपीट ये सब मिलकर क्या बनाता है, तो वो सब क्या बनाता है यहाँ पे जो है ना सिनेमा बनाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, जिम वॉज क्या लिखा है, जिम वॉज वेरी एंग्री विथ डैश जो है ना वर्निंग लीव्स, तो मिस्टर जॉनसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है, वाटर रेन इन जो है ना स्ट्रीम्स डाउन द डैश स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू जो है ना लियो टॉल्स्टॉय, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बारिश का पानी क्या यहाँ पे बह रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ जो दिया गया ना आप लोग का सी दिया गया वो राइट आंसर है। ठीक है चलिए ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखना है, प्रश्न क्या है आप लोग का कि हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ जो है इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम फिल्म्स, तो फिल्म्स के लिए जो है ना किसको अवार्ड मिलता है अंतर्राष्ट्रीय जो है ना मतलब जी बिल्कुल सत्यजीत राय को मिलता है। ठीक है फिल्म के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, द लॉयर जनरल द लॉयर सफ्रेड जो है ना ट्रिवली फ्रॉम डैश इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ जो है ना क्या लिखा इंस्पॉन्सरमेंट, बताएं इसका आंसर क्या भरें आप लोग, 37 का आप लोग क्या क्या भर क्या है बताएं यहाँ पर 37 का क्या होने वाला है। ठीक है तो वो हो जाएगा लेजीनेस, क्या ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न देखिए यहाँ पर, विथ एवरी स्टेप हल्कूज हेड क्या लिखा सेंक लोअर अंडर द डैश ऑफ पॉवर्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्डन, क्या हो जाएगा वर्डन जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया, द डीपर द मेजर ऑफ जो है ना क्या लिखा है अनफुलफिलमेंट जो है द क्लोजर टू यू विल बी योर जो है ना फुलफिलमेंट इज फ्रॉम, यह लाइन जो लिया गया कहाँ से लिया गया द बेट से लिया गया, ऑप्शन नंबर द बेट जो भी पढ़ते हैं आप लोग द बेट द बेट। ठीक है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एग्री क्या लिखा है एग्रीड यू क्या लिखा स्टेक 2 मिलियंस आई माई फ्रीडम इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है तो ये भी लिया गया है कहाँ से द बीट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, 5 मिनट्स पास्ड एंड देयर क्या लिखा है प्रिजनर नेवर क्या लिखा है वंस स्ट्रिप्ड इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है तो 41 का आंसर बताएं क्या लिया कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया सन एंड मून से लिया गया, कहाँ से सन और सन एंड मून से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रश्न है कि हु रोट क्या लिखा है हु रोट टू द बाग एंड द फ्लाई, यह किसने लिखा है बताना है, तो यहाँ क्या है कैथरीन, क्या है कैथरीन मैंसफील्ड जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि व्हेन वन स्ट्यूड ए जो है ना क्या लिखा है पिगेंट स्मेल, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं किससे जो है ना दुर्गंध आता है किससे खराब मतलब महक आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलिथिन बैग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न दिया गया है राधास हैज लॉस्ट जो क्या लिखा है क्वाइट ए लॉट ऑफ डैश ड्यू टू हर आइसोलेशन फ्रॉम जो है ना कृष्णा, तो बताया यहाँ पर वो क्लोथ, क्या यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लोथ जो दिया गया है ना बिल्कुल इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न को क्या दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया द साइट ऑफ डैश जो है ना ब्लूम्स फॉर द क्वेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो मैंगोस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंगोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द पोर्टस हैज द पोर्टस डैश इज सर्चिंग फॉर नेटल एंड वाइन्स, तो वो क्या हो जाएगा फादर, क्या हो जाएगा फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है द हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, तो 47 का आंसर आप लोग बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एनेबल, क्या हो जाएगा एनेबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश जो है ना डैश पिक्चर ऑफ गोल्ड वर गिवेन टू द रिच मैन बाय द विस यल्डिंग ट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या फोर हो जाएगा। ठीक है फोर पिक्चर मतलब चार फोटो। अगला क्वेश्चन दिया गया है वाइल द एडल्ट वर बिजी, मतलब कि जब क्या होता है जब कभी, वाइल मतलब होता है जब कभी। ठीक है यहाँ पे
ठीक है भाई, क्या लिखा गया कि वाइल द एडल्ट्स वेरी बिजी, मतलब जब कभी क्या होता है कि बड़े लोग ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो डैश जो है ना द लिटल गर्ल्स वर क्या करते हैं, द लिटल गर्ल्स जो है ना क्या करने लगते हैं, क्या क्या खेलने लगते हैं, फाइटिंग मतलब मार करने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ जो है सिविलाइज्ड पीपल हैव अचीव, मतलब क्या प्राप्त कर सकते हैं, छोटा सा ही मतलब लोग जो कि सिविलाइज मतलब संस्कृति पर चलते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा। द ओल्ड वुमेन विजिटेड बाय यंग पीपल टू डैश हर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इंसल्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वी स्लो थिंकर्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन और ट्रिवली, क्या हो जाएगा, तो बताएं इसका आंसर क्या क्या होने वाला है, तो हैंडीकैप्ड, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखना है क्या दिया गया, धरती के लाल हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल डैश, तो बताइए कि धरती के लाल जो है ये क्या है, तो ये क्या है आप लोग का एक स्टोरी है, क्या हो जाएगा स्टोरी जो दिया गया ना, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, क्या दिया है, सुनो मोबाइल्स कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, क्या लॉट ऑफ टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, हुज डैश सप्लाई हिम विथ अटायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताएं इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है 55 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फील्ड्स एंड क्या हो जाएगा फील्ड्स एंड ग्रोप्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है, ए डैश हैज बीन जो है क्रैप्ड बाय राधास टीयर्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वेन एवर क्या लिखा है, वेन एवर देयर इज वार्मथ इन ए रिलेशनशिप डैश ऑटोमेटिकली विंसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताया अफेक्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि द क्या लिखा है, द डिमोन डिजायर नो मेड हिम मैड इज फ्रॉम डैश, जो लाइन लिया गया ना 58 नंबर जो प्रश्न है ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इम्पटी हर्ट जो दिया गया ना वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज जो है ना सेपरेट फ्रॉम इट्स, तो वह जो है अपनी प्रेमिका के द्वारा क्या है यहाँ पे, तो सेपरेट है इसलिए वो क्या करता है आराम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, द रिच मैन फ्रेड कॉन्टिन्यूसली टू द डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीपल ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बताना है यहाँ पे रेप्ट्यूर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया वो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन का स्पेलिंग इनमें से कौन सा सही है आप लोग उसका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो ऑब्लिगेशन OBLIGATION हो जाएगा ऑब्लिगेशन, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ दिया गया ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद क्या लिखा है पेंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा होने वाला है, सी तो कभी नहीं होगा, तो 63 का पेंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, पेंट्रेट जो लिखा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जो दिया गया ना वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, विक्रेज यहाँ पे क्या लिखा है, विकेज का स्पेलिंग इनमें से कौन कौन सा सही है बताएं, तो विकेज तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखना है, इंटरप्शन यहाँ पे क्या लिखा गया, उसके बाद और भी कुछ कुछ वर्ड है, तो बताएं इनमें से 65 में सही क्या हो जाएगा, इंटरप्शन जो दिया गया ना वो वर्ड इसमें से सही दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैच हो, ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि ट्रम्बल टाइप का कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, लिया गया ट्रेम्बल है, चलेगा यहाँ पे फिर ट्रेम्बल लिखा गया है, ट्रिम बेल है, उसके अंदर ट्रम्बल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, TRUMBLE, ठीक है, ट्रम्बल ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ना वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए ये वाला हो गया, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए उसके बाद यहाँ पर तो आप लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला आ गया, ध्यान से पढ़ना है क्या क्या दिया गया है, तो 68 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना क्या लिखा है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ मतलब इसका डायरेक्ट स्पीच करना है, द फादर जो है ना फॉरवर्ड हिज डॉटर टू गो, क्या लिखा गया, टू गो आउट इज, तो इसको बता रहे डायरेक्ट स्पीच इनमें से कौन सा होने वाला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फादर जो है ना सोल्टेड क्या लिखा है स्कोलेड हिज डॉटर डू नॉट गो आउट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखना है प्रश्न क्या दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ समीर क्या लिखा हुआ, एक्सक्लेमेड विथ डिलाइट दैट इट वाज ए वेरी नाइस ड्रामा, तो बताएं इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पर वो क्या हो जाएगा ए नंबर जो दिया गया ना, समीर सेठ, समीर कहता है व्हाट ए नाइस ड्रामा इट इज, यह मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है,
डायरेक्ट स्पीच ऑफ सुनैना जन रिक्वेस्टेड रोहन टू पुट ए सवाल ऑन हर, मतलब उसके ऊपर में क्या करता है, एक कमल रख दे उसके लिए, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो 70 का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा आप लोग बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनैना सेज टू रोहन, सुनैना रोहन से कहती है विल यू प्लीज पुट ए सवाल ऑन मी, मतलब रख सकते रखोगे ऐसे वैसे, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, मतलब इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है। सेड टू हिम, मैंने उसे कहा आर यू गोइंग आउट, तुम बाहर जा रहे हो। 71 का आंसर बताना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो वो जगह मतलब मैंने उससे पूछा, ये होगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं आस्क यहाँ पे कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा इफ यू ही गोइंग आउट, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 72 नंबर प्रश्न है कि इनडायरेक्ट स्पीच करना है कि तृप्ति सेड, तृप्ति कहती है उमा आर यू फीलिंग वेल नाउ, मतलब तुम अच्छा महसूस कर रही हो अब, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृप्ति सेड टू उमा इफ सी वाज फीलिंग वेल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा 73 नंबर प्रश्न को, प्रश्न कुछ इस टाइप का है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द क्या लिखा है, पैसेंजर सेड टू ड्राइवर यू आर ड्राइविंग फास्ट, क्या कर रहे हो तो आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, तो बताना इसका इनडायरेक्ट है ना वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पैसेंजर सेड टू द ड्राइवर, पैसेंजर ड्राइवर से कहती है दैट, मतलब कि ही इज ड्राइविंग फास्ट, आप जो है ना वह तेज गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है बिल्कुल इसका राइट आंसर इसी तरह से लेना है, ठीक है यहाँ पे मतलब कि करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा कि माई पेरेंट्स आर जो है ना हैप्पी डैश मी, तो मेरे पेरेंट्स जो मेरे साथ में खुश है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, द गर्ल क्या लिखा गया, द गर्ल जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल इन टू द स्विमिंग पूल में, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, गुड हेल्थ क्या लिखा है, गुड हेल्थ जो है ना डिपेंड्स डैश प्रॉपर डाइट, तो क्या करता है, गुड हेल्थ जो है अच्छा सेहत जो है ना खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डोंट फॉल बाय जो क्या लिखा है, डोंट फॉल डैश बैड कंपनी, ठीक है यहाँ पे डोंट फॉल ऑप्शन नंबर क्या होगा, 77 का आंसर आप लोग अगर भरे हैं तो आप लोग जरूर बताएं इसमें क्या हो जाएगा, डोंट फॉल डैश द बैड कंपनी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न यहाँ पर है, द पेशेंट रिकवर्ड जो है ना फ्रॉम हिज क्या मेजर इनलेस, क्या यहाँ पे वो जो है ना जो मतलब था जो भी परेशानी था उससे क्या हो रहा है, रिकवर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, द थीप वॉज कॉट, मतलब चोर जो पकड़ा गया था डैश डैश द पुलिस, क्या बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि सुमिता कैम डैश ट्रेन, सुमिता जो आई थी ना मतलब ना बाय द ट्रेन फॉर द ट्रेन, मतलब क्या लिखा गया है, सुमिता कैम सुमिता आई है क्या करने के लिए आई थी यहाँ पे, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा फॉर ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वी डैश क्या लिखा, इसमें पोजिशन को इसमें जो है ना फिल करना पड़ेगा, ठीक है समझ गए, तो वी डैश जो है ना कीप आवर प्रोमिस, हमें क्या हो जाएगा नीड कीप आवर प्रोमिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि एवरीबॉडी डैश टू डांस एंड एंजॉय द पार्टी, तो सभी लोग क्या करना चाह रहे थे, सभी को मतलब चाहना सभी के लिए ना, तो प्लूरल हो गया तो वांट्स लग जाएगा, ठीक है तो एवरीबॉडी वांट्स जो है ना टू डांस एंड पार्टी एंजॉय द पार्टी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वांट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वोमेन ऑफ माई विलेज इज डैश क्या इज इलिटरेट, इज लग जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इच सर्वेंट जो है ना इच मतलब प्रत्येक सर्वेंट डैश ए मील यहाँ पे क्या मिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि टू सिंग वेल जो है ना गाने के लिए डैश जो है ना ग्रेट स्किल, तो कैन रिक्वायर क्या कैन रिक्वायर ग्रेट स्किल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सुमन डिड नॉट, प्रश्न क्या है कि सुमन नॉट डैश ए लेटर, तो राइट ए लेटर, क्या सुमन डिड नॉट राइट ए लेटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 87 नंबर प्रश्न है, हु हैज स्टोलन माई बुक, मेरा किताब को किसने चुराया, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या लिखा गया आप लोग, 87 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ, यहाँ पे लिखा है इलीगल, मतलब इनमें से जो है इलीगल जो होता है उसका अपोजिट मीनिंग इनमें से क्या होगा, तो वो लॉफुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, चूज द करेक्ट क्या लिखा है साइनोनिम ऑफ जो है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का मतलब साइनोनिम का मतलब होता है उससे समानता वाला शब्द, ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है इंक्वायरी हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर चलिए बहुत अच्छा,
उसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दोनों चीज हो चुके, एक मिनट इसका छोड़ चुके ना, नोएजी का एंटोनिम यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, क्वाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ जनरल लिबर्टी, मतलब साइनोनिम मतलब समानता वाला शब्द इनमें से कौन है, तो यहाँ पे लिबर्टी क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, एक्टिव वॉइस ऑफ द, क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस बनाना है किसका, द नोवेल हैज बीन जनरल रीड बाय मी, तो बताना इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 92 आंसर कैसे आप लोग को भरे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नोबेल जो है ना रीड बाय मी, मतलब क्या हो जाएगा, रीड बाय मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखना है, 93 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि द करेक्शन, क्या लिखा है, द करेक्शन इज डन बाय द टीचर, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द टीचर डज, एक मिनट इसको देखिए कैसे बनाना है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर डज नॉट करेक्शन, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया आप लोग, 94 नंबर प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ रमेश हेल्प रंजू, तो बताएं इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे 94 का आंसर क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंजू हेड टू जो है वी हेल्प्ड बाय रमेश, ऑप्शन नंबर क्या हो, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 95 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, पैसिव वॉइस ऑफ सीमा इज टू डू इट, यहाँ पे 95 का बताएं क्या कैसे आप लोग बनाएं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज जो है ना टू बी डन बाय सीमा, मतलब सीमा के द्वारा क्या जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 96 नंबर प्रश्न है, पैसिव वॉइस ऑफ माई, क्या लिखा है, वाई है राधा स्कॉलेट यू, बताएं यहाँ पे इसका आंसर पैसिव वॉइस होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि व्हाई हैव यू बीन स्कॉल्ड बाय राधा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस ऑफ यामिनी इज ड्राइविंग द जीप, जो मतलब यामिनी इज ड्राइविंग द जीप, मतलब यामिनी जो है ना ड्राइव कार क्या कर, जीप ड्राइविंग कर, मतलब चला रही है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन द जीप इज बीइंग ड्राइवन बाय यामिनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो, स्टडी रिलीजियस बुक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो दिया गया ना बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, चलिए सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आप लोग का, लास्ट में प्रश्न देखिए क्या दिया गया, एकता में बल है, क्या दिया गया, एकता में बल है, तो देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी जो दिया गया बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, एक सेकेंड, चलिए एकदम ख़त्म हुआ टेंशन। अब सिर्फ सोएंगे और मतलब क्रिकेट खेलेंगे, क्या बात है, बहुत अच्छा सोच है। तो आप लोग जो इंग्लिश क्लास की जगह पहले कुछ दिन तक तो आप लोग जो है आराम कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो चुका है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम लोग का जो है ना लाइव जितना होना चाहिए था हम लोग दो एक मरतब जो है ना आप लोग को बताएं, दूसरा मतलब जो है ना पूरा रिपीट कर चुके हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग को बता चुके हैं, तो इसमें अब किसी तरह का जो है ना दिक्कत अब नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बैट खरीदिए, बॉल खरीदिए, अच्छे से थोड़ा दिन इंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर जो रिजल्ट का डेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताएं यहाँ पर बिहार, क्या बात है, करीबन ज़्यादातर बिहार से ही है ना, मतलब बेगूसराय आप लोग का हो जाता है, फिर कुछ लोग मतलब बगल बगल से हैं, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग को एक बार फिर से थैंक यू सो मच इसके कंप्लीट करने के लिए। तो जो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, और जो चाहते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द बताएंगे रिजल्ट का डेट, किसका रिजल्ट का डेट बताएंगे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए ये वाला जो है ना बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देने वाले हैं, तो फिलहाल कुछ दिन आप लोग जो है ना फुल एंजॉय कीजिए, अभी कटिहार से है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो रिजल्ट का डेट बहुत जल्द आएगा कि इसका कब आने वाला है, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ना जैसे एक महीने का टाइम अब तो लगता ही है, तो देख लीजिएगा, मतलब मार्च के बाद अप्रैल महीने में आ जाना चाहिए शुरू से स्टार्टिंग, चलिए बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच आप सभी के इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए, फुल एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, और अपने लाइफ को खुल के जिए, और जहाँ जहाँ जिसको नानी कहा जा रहा है नानी कहा जाइए, मतलब नानी यहाँ मतलब कहीं और भी घूमने फिर तो आराम से घूमिए फिरिए और इंजॉय कीजिए। तो आप लोग जरा थोड़ा दिन टेंशन लीजिए, उसके बाद आगे के बारे में अभी और भी बहुत कुछ सोचने हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है।
मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो, तब तक के लिए वीडियो आई लव यू ऑल। आप सभी अपना जो है ना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। क्या लिखा है सर? मेरा नाम रविराज सिंह, बिल्कुल नाम में क्या है, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के रिजल्ट के लिए पहले से हम बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे जी, ठीक है जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में एक मतलब नाम ले लेते हैं, कौन कौन है, राहुल है, अभिनव के बाद सुमित है, रविराज है, स्वाति सिंह, उसके बाद नेहा, अभिनव, उसके बाद है जूही, यस चलो, सोना यादव, चलो बहुत अच्छा, अमन है, यूसुफ है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल सौरवी, बिल्कुल बहुत अच्छा, खुशी कुमारी, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं खुशी आप लोग, कैसा रहा एग्ज़ाम आप सभी का, 6-7 दिन का सफ़र, मत बोलो आप लोग मजा, चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है जी आप लोग से। अच्छा लग रहा है आप लोग से इतना सारा जुड़ के, मतलब अच्छे से बात करके अच्छा लग रहा है, सब चीज़ बहुत मिस करेंगे, मतलब इस मतलब ठीक है।